हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पिना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी और होम्योपैथिक मेडिसिंस आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऊफराइटिस के बारे में। तो ऊफराइटिस का मतलब है ओवरीज में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, ओवरीज यानी अंडाशय। तो अंडाशय में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो किस कारण से हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो क्या लक्षण होंगे, क्या हमें जांच करानी पड़ती है और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक पहुँच पाए। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ लाइव कंसल्टेशंस में जुड़ना और लाइव कंसल्टेशन के दौरान लाइव चैटिंग के माध्यम से अपने सवालों का जवाब पाना, तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। हर वीडियो के नीचे देखेंगे एक JOIN ज्वाइन का बटन है, उसे आप क्लिक कर सकते हैं और आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऊफ्राइटिस और होम्योपैथी। तो दोस्तों, ऊफ्राइटिस यानी कि ओवरी या अंडाशय में सूजन हो जाना या इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो अंडाशय में अगर सूजन होता है या ऊफ्राइटिस होता है तो जनरली ये फेलोपियन ट्यूब के साथ होता है। तो फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम सेल्पिंग्स कहते हैं, तो सेल्पिन जो ऊफ्राइटिस होता है, यानी कि केवल अंडाशय में सूजन हो, ये बहुत कम होता है। अंडाशय में अगर सूजन आती है तो साथ में फेलोपियन ट्यूब की भी हमें समस्या दिखती है। तो दोस्तों, इसका जो कारण है, ये हो सकता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के वजह से ऐसा हो रहा हो। तो जो बैक्टीरिया है वो वजाइना के थ्रू ऊपर जा सकता है और ओवरीज में या अंडाशय में सूजन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके कारण हो सकते हैं कि STD हो, इसका कारण गोनोरिया हो, क्लेमाइडिया हो, ये हमारे कुछ रीजंस हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक ऑटो इम्यून कंडीशन के वजह से भी ऊफ्राइटिस हो सकता है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से ऊफ्राइटिस या ओवरी में सूजन हो जाए। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो पेट के निचले हिस्से में, लोअर एब्डोमेन में, हमेशा दर्द का महसूस होना, भारीपन का महसूस होना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा होना, मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा होना, कभी कभी पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग हो जाना, डिस्पेरोनिया होना और यूरिन करने में दिक्कत होना। तो जब पेशेंट यूरिन करे तब पेन होना या जलन होना और ऐसा लगना कि यूरिन आ रहा है पर खुल के हो नहीं रहा। पेट के नीचे हमेशा भारीपन का महसूस होना, तो ये इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो, ज़्यादा बढ़ जाए, तो पीरियड के टाइम पे या पेन वगैरह जब ज़्यादा हो तो बुखार आना, बुखार के साथ साथ उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है ये कैसे पता चलेगा? एक तो आपके जो सिम्टम्स हैं उससे आइडिया लगता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम जांच करवाते हैं तो खून की जांचें हैं जिससे पता लग सकता है, अल्ट्रासाउंड से पता लग सकता है, अल्ट्रासाउंड ट्रांस एब्डोमिनल हो सकता है या TVS यानी ट्रांस वजाइनल स्कैन भी हो सकता है। अगर इन सब से भी कुछ नहीं पता चलता तो लैप्रोस्कोपी की सहायता ली जा सकती है, ये पता लगने के लिए कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिस्ट में बहुत ज़्यादा सूजन वगैरह हो जाए और पस वगैरह भर जाए या एक सेप्टिक कंडीशन हो जाए, बर्स्ट हो जाए, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है, अगर किसी तरह की भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, ब्लीडिंग हैवी हो रही है या पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है या लोअर एब्डोमेन में हमेशा दर्द रहता है, तो ज़रूर इसकी जांच करानी चाहिए। तो एक बार एक फीमेल ने बताया कि वो जब भी झुकती है तो बिल्कुल पेट में, लोअर एब्डोमेन में उनको दर्द होता है, यानी कुछ भी अगर झुक कर कुछ भी सामान उठाया तो एकदम से दर्द उनका हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उनको PID की समस्या थी, ऊफ्राइटिस था, सेल्पिन जो ऊफ्राइटिस था। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लोअर एब्डोमेन में, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द, भारीपन, हल्का हल्का दर्द हमेशा बना रहता है, तो इसकी जांच करवाने की आवश्यकता ज़रूर है। तो दोस्तों, इसके क्या लक्षण होते हैं ये मैंने आपको बताया, और अगर ऐसा है तो हमें क्या जांच कराना है ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों, होम्योपैथी की जो मेडिसिन इसमें यूज़फुल है, उसमें सबसे पहली हमारी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका।
दोस्तों जो हमारी एपिस मेडिसिन है ये हम अगर देखते हैं कि आपको यूट्रस में सूजन है, ओवरी में सूजन है, अंडाशय में सूजन है, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर आपको इन्फ्लेमेशन या सूजन हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम के लिए जब दर्द में एक जलन का महसूस और चुभन का महसूस होता है, पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग, सिस्ट फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे केस में एपिस मेडिसिन हमें मदद कर सकती है। दोस्तों दूसरी जो हमारी मेडिसिन है वो है लैकेसिस। अब लैकेसिस में हम क्या देखते हैं, अगर आपको लेफ्ट साइड में ओवरी में प्रॉब्लम हो रही है, यानी लेफ्ट साइडेड ऊफराइटिस है या सेल्पिन जो ऊफराइटिस है, और जो आपको प्रॉब्लम है वो अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, जब आप सुबह उठते हैं तब प्रॉब्लम आपको ज़्यादा महसूस होती है और लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में लैकेसिस एक अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अब अगर आपको प्रॉब्लम राइट साइड में ज़्यादा हो रही है, तो राइट साइड में ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे केस में पैलेडियम हमारी एक दवा है जो मदद कर सकती है। होम्योपैथी में जब हम मेडिसिन देते हैं तो आपका कौन सा बॉडी का साइड इफेक्टेड है उसका भी हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जैसे मैंने बताया लेफ्ट के लिए मेडिसिन अलग है, अगर राइट साइड में है तो राइट साइड के लिए पैलेडियम हमारी एक अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सीपिया। सीपिया एक फीमेल स्पेसिफिक मेडिसिन है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बीमारियों में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। सीपिया में हम देखते हैं कि हमेशा एक प्रोलैप्स्ड की फीलिंग होती है, यानी ऐसा लगता है कि कुछ बाहर की तरफ आ रहा है, तो एक प्रोलैप्स के लिए सीपिया एक बहुत इंडिकेटेड मेडिसिन है। कई बार पेशेंट ऐसा बोलता है कि अगर पैर को क्रॉस करके बैठे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर क्रॉस करके बैठे तो बेटर फील होता है, क्यों, क्योंकि उसे एक सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे जो प्रोलैप्स्ड वाली फीलिंग है और अगर मेनोपॉजल टाइम में प्रॉब्लम हो रही है तो सीपिया हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों सीपिया के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है पहले भी कि एक टायर्ड हाउसवाइफ की जो इमेज होती है, टायर्ड, इनडिफरेंट, बहुत थक गई है काम कर करके, बहुत परेशान हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो गई है, तो ऐसे केस में सीपिया हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला एक टिमिड ईल्डिंग फीमेल में पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। पल्सेटिला अगर थोड़ा यंग एज में प्रॉब्लम हो रही है और पेशेंट बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, हर छोटी छोटी बात पे पेशेंट को रोना आता है, वो चाहती है कि वो नहीं रोए बट वो अपने टीयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, यानी पेशेंट जब आके एक्सप्लेन भी अपने सिम्टम्स के बारे में करती है तो उसकी आंसू निकलता रहता है, वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो ऐसे जो टिमिड ईल्डिंग पेशेंट हैं और उनमें अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हम पल्सेटिला मेडिसिन ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी मेडिसिंस और भी हैं, सीकेल कोर है, फॉस्फरस है, ऐसे ही और भी काफ़ी सारी दवाइयां हैं, बट अगेन दवाइयां निर्भर करती है आपके एग्जैक्ट सिम्टम्स के ऊपर और आपको कब से प्रॉब्लम है, क्या क्या आपके सिम्टम्स हैं, क्या क्या आपकी प्रेजेंटेशन है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उफ्राइटिस के बारे में या अंडाशय में सूजन के बारे में, आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप चाहते हैं लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा होना तो अभी ज्वाइन करिए, JOIN ज्वाइन का बटन है उसे क्लिक करें और आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप लोग मेरे से सलाह लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल समस्या के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा आप लोगों को मैसेज भेजना है, मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।